चंद्रयान 3 16 अगस्त को चंद्रमा की सबसे कम दूरी 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में पहुंचेगा। इसके लिए इसरो सुबह करीब 8:30 बजे यान के थ्रस्टर में कुछ देर के लिए फायर भी करेगा। अभी चंद्रयान की ऑर्बिट में सबसे कम दूरी 150 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 177 किलोमीटर है। 17 अगस्त के दिन चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया जाएगा। ये लैंडर और रोवर चांद के साथ साउथ पोल में उतरेंगे और 14 दिन तक प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेंगे। इस मिशन के जरिए इसरो चांद पर पानी की खोज करेगा, साथ ही चांद की सतह पर भूकंप कैसे आता है ये पता लगाएगा। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान को कुल 4 बार अपनी ऑर्बिट कम करनी होगी।